सच्ची मोहब्बत कीजिए, सच्चा प्यार कीजिए, प्यारे नबी से सच्ची वफादारी कीजिए। और सच्ची मोहब्बत होती है इताअत से, सच्चा प्यार होता है इताअत से, सच्ची वफा होती है इताअत से। नबी की जिंदगी को अपने लिए नमूना बना लो, नबी की जिंदगी का अक्स अपने सांचे में, नबी अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी के सांचे में ढाल लो। आपकी एक एक सुन्नत को अपना लो, आपकी नमाज नबी के तरीके पर, आपका हज नबी के तरीके पर, आपका सरापा नबी के तरीके पर, आपका लिबास नबी जैसा, आपकी इबादतें रियाजतें शबो रोज ले लो नहार, पूरी तरह कोशिश करो कि नबी जैसे हो जाए। ये सच्ची मोहब्बत है, ये सच्चा प्यार है और ये सच्ची वफादारी है। इताअत के बगैर, इत्तिबा के बगैर, फरमा बरदारी के बगैर ऐसे जबानी दावे कोई माना नहीं रखते, और इन जबानी दावों की अल्लाह के पास कोई हैसियत और कोई कीमत नहीं है। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को और आप सुनने वालों को सही मानों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी से सच्चा प्यार, प्यारे नबी से सच्ची मोहब्बत, प्यारे नबी की सच्ची अजमत, प्यारे नबी से सच्ची वफादारी और आपकी सुन्नत और आपकी अहादीस की पैरवी करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। और हमारे ये नादान मुसलमान भाई जो मोहब्बत रसूल के नाम पे गैर शरीक काम करते हैं, गैर इस्लामी अकायद और तसव्वुरात में उलझे हुए, अल्लाह इस हमारी इस नादान कौम को हिदायत देवे। अल्लाहुम्मा आमीन।